जहां पर गुलाब चंद कटारिया के लिए विदाई समारोह का आयोजन किया गया है, वहीं से तस्वीरें आपको दिखाते हैं। कुछ क्षण पहले इस विधानसभा के सदस्य, प्रतिपक्ष के नेता और आज विदाई समारोह के बाद जिनको हम महामहिम कहकर संबोधित करेंगे, ऐसे आदरणीय गुलाब चंद जी कटारिया साहब, राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी, जिनकी सदारत में ये विधानसभा गरिमापूर्ण अपना सफर पूरा कर रही है, हमारे अध्यक्ष डॉक्टर जोशी जी धारीवाल साहब और इस सभागृह में उपस्थित सभी सभासदों, गुलाब जी भाई साहब, मैं मेरी ओर से, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की ओर से, आदरणीय वसुंधरा जी की ओर से आपको महामहिम पद पर महामहिम राष्ट्रपति महोदय द्वारा नामजद करने के लिए आपको बधाई देना चाहूंगा। आज मेरे जैसे कई कार्यकर्ताओं के लिए प्रसन्नता और भाव दोनों ही भावुकता के दोनों क्षण है। आपके साथ अलग अलग भूमिका में काम करने का मौका हम सब लोगों को मिला। आप में हमने एक अभिभावक को देखा, आप में हमने एक हमारे मार्गदर्शक के रूप में इस विधानसभा की स्वस्थ परंपराओं को और किस प्रकार मजबूत करें, हम इस विधायी कार्य को किस प्रकार सक्षमता से करें, उस पथ प्रदर्शक के रूप में भी देखा। आप में हमने उस वरिष्ठ साथी के तौर पर भी देखा जिनमें नेतृत्व के साथ साथ सामूहिकता को हमने देखा। आपके जीवन दर्शन को जब हम देखते हैं, एक छोटे से गांव से निकलकर आठवीं की कक्षा में सुदूर उदयपुर जाकर किराए के मकान में खुद रोटी बनाकर आपने शिक्षा, प्रारंभिक शिक्षा ग्रहण की, महाविद्यालय विश्वविद्यालय में शिक्षा ग्रहण की और उसके बाद झाड़ोल जैसे दूरस्थ क्षेत्र में एक आदर्श अध्यापक की भूमिका में आप रहे और निश्चित तौर पर एक राजस्थानी शिक्षा मंत्री के रूप में भी आपको याद करेगा। राजस्थान में साक्षरता की दृष्टि से मुफ्त पुस्तक वितरण करने के उस कार्यक्रम में, उस नवाचार को आपने भैरव सिंह जी के नेतृत्व में किया, वसुंधरा जी के नेतृत्व में एक कुशल प्रशासक और गृह मंत्री को हमने देखा, गंभीर अपराध के अंदर, दुर्दांत अपराध के अंदर किस प्रकार केस ऑफिसर को नियुक्त किया जाता है। और अब इस 15वीं विधानसभा में हमने आपकी सक्रियता को देखा, आपके गरिमापूर्ण व्यवहार को देखा और मैं कह सकता हूं कि जिस दल में मैं हूं, आदरणीय भैरव सिंह जी शेखावत ने इस विधानसभा में जिस गरिमापूर्ण परंपराओं को स्थापित किया, उन्हीं परंपराओं के वाहक आप बने और आपको पीएससी के चेयरमैन के रूप में मुझे मेरे साथी संयम लोडा बता रहे थे, हमें गर्व है कि जो भी काम आपको मिला आपने बहुत अच्छे तरीके से किया। आपकी कमी गुलाब जी भाई साहब, आपका सफर आज गुलाब जी भाई साहब से महामहिम के पद की ओर अग्रसर है, पर हमें हमारे जहन में हम आपके व्यक्तित्व को कभी भूल नहीं पाएंगे। जब भी नजर उठेगी इस कुर्सी की ओर, हमें आप नजर आओगे। आपका स्वस्थ ठीक स्वास्थ्य ठीक रहे, आप आसाम में भी इस राजस्थान की संस्कृति के साथ साथ आपका मन में उन पुराने साथियों के प्रति, और मैं इसी मंच से गुलाब जी भाई साहब बहुत सी जीवन के अंदर जब साथ काम करते हैं कुछ त्रुटियां भी रहती हैं, जब मुझे ये बताया गया कि मुझे कुछ कहना है तो मेरे कई साथियों ने कहा कि इसी मंच से, इस जहां से आप बोल रहे हो, हम सब की तरफ से शुभकामनाओं के साथ साथ गलतियां हमारी हुई होगी यहीं छोड़ कर जाएं, बस आपकी यादें रहेगी, ढेरों सारी शुभकामनाएं, आपका दीर्घायु हो, आप महामहिम राज्यपाल के रूप में, संवैधानिक प्रमुख के रूप में और संवैधानिक दायित्व के रूप में और ऊंचाइयों को छुए, आपको ढेरों सारी शुभकामनाएं। धन्यवाद माननीय उपनेता प्रतिपक्ष, आपका बहुपूर्ण
उद्बोधन बहुत सारगर्भित रहा। अब आग्रह है माननीय श्री पुखराज जी, राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी विधायक दल के नेता से। आज के इस समारोह के मुख्य अतिथि माननीय गुलाब जी कटारिया साहब, माननीय मुख्यमंत्री जी अशोक जी गहलोत साहब, अध्यक्ष साहब सीपी जोशी जी, धारीवाल साहब,